हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पीयर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। कह रहे हैं कि 12 वोल्ट की बैटरी को एक अननोन रेजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया है जिसमें 2.5 मिली एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, हमें रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, करंट हमें गिवन है 2.5 मिली एम्पेयर, उसको हमने एम्पेयर में कन्वर्ट कर लिया है, 2.5 इंटू रेज टू द पावर -3 एम्पेयर। अब ओम्स लॉ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वी इज इक्वल टू आई आर और वी की वैल्यू 12 अपॉन करंट की वैल्यू 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, अब आ जाएगी 4800 ओम और 4.8 किलो ओम। क्वेश्चन नंबर 9। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर्स ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रेस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर। कह रहे हैं कि 9 वोल्ट की बैटरी है, उसको सीरीज में कनेक्ट किया है इन रेजिस्टर्स के साथ, तो कितना करंट फ्लो होगा 12 ओम के रेजिस्टर्स में। हम जानते हैं कि ये जो रेजिस्टर्स हैं सारे सीरीज में हैं, सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि करंट जो यहाँ जितना यहाँ पर फ्लो होगा, यहाँ पर फ्लो होगा, यहाँ पर फ्लो होगा, यहाँ पर फ्लो होगा, उतना 12 ओम के रेजिस्टर में फ्लो होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से सीरीज का फॉर्मूला यूज़ करके आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, 13.4 ओम आ जाएगा इनका जो रेजिस्टेंस का जो सम है 13.4 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है 9 वोल्ट। ठीक है, तो ओम्स लॉ से हम करंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 9 अपॉन 13.4 0.67 एम्पेयर, ये हमारी वैल्यू आ गई। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।